थैंक यू सो मच हमारे कम्युनिटी क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए, क्योंकि आपके क्वेश्चन के आंसर देने से हमें पता लगता है कि आपको किस टॉपिक पे अगली वीडियो चाहिए। जैसे कि आप लोगों ने हमें बताया था कि अगली वीडियो आपको पोस्चर पे चाहिए, तो आज वी आर हियर विद पोस्चर एस्पेक्ट। आई एम डॉक्टर नितिन कुमार अरोड़ा एंड आई वेलकम यू ऑल टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल फाइव स्पेस सॉल्यूशंस वेयर योर हेल्थ इज आवर प्रायोरिटी। इस वीडियो में हम बात करेंगे पोस्चर के बारे में कि क्या क्या आप गलत प्रैक्टिस पोस्चर के लिए एज्यूम करते हैं और कैसे कैसे हम उसको करेक्ट करें ताकि ये जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं आपको जो डेली बेस पे फेस करनी पड़ती हैं वो ठीक हो जाए। अब आपने देखा होगा कि रोज डेली बेसिस पे हम क्या करते हैं कि एक्सरसाइजेस भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं, गेम्स खेलते हैं, बट फिर भी एक कॉमन नेक पेन, बैक पेन, शोल्डर पेन, ये माइनर इंजरीज, they are all the time nagging, right? तो क्या वो issues है, किस वजह से ये problem आ रही है? होता क्या है कि हम एक घंटा अच्छे से जिमिंग करते हैं, एक घंटा अच्छे से अपना एक्सरसाइजेस करते हैं, कोई गेम खेलते हैं, बट पूरा दिन हमारा जो वर्क स्टाइल है, हमारा लाइफ स्टाइल है, दैट इज समथिंग लाइक कि हम कैसे बैठते हैं, ऐसे करके या फिर ऐसे करके या फिर ऐसे, या वर्स्ट केस सिनेरियो में हमने फोन उठाया और एक इतना अच्छा व्हाट्सएप मैसेज आया, सबको फॉरवर्ड करता हूं फटाफट से। फोन पे जब बात करते हैं, हाँ अच्छा ओके कूल व्हाट्स हैपनिंग मैन। अगर हम ऐसे ही पूरा दिन ऐसे करके बैठे रहेंगे तो क्या हो रहा है, एक साइड का बॉडी एस्पेक्ट कंप्रेस हो रहा है, एक साइड का ओपन अप हो रहा है। तो जिससे कंप्रेशन हो रहा है, जब पूरा दिन ऐसे ही रहेंगे अगर हम, या फिर अगर हम लैपटॉप पे वर्क कर रहे हैं, लैपटॉप सामने रखा हुआ है, हम ऐसे करके चलो जी बॉडी पोस्चर एक साइड रखा एंड रिलैक्स, राइट, तो क्या हो रहा है, वन वे और द अदर वे राउंड। होता क्या है, जब हमारा हाथ ऊपर है, ग्रेविटी हमें नीचे पुल कर रही है, ऑल द टाइम ग्रेविटी पुलिंग अस डाउन। तो अगर मेरा नेक आगे है, अगर मेरे शोल्डर्स आगे हैं, अगर मेरी बैक आगे बेंड हुई है, तो क्या ग्रेविटी नीचे पुल करेगी? उसको अपोज करने के लिए मेरी अपर बैक की, मेरी नेक की और शोल्डर मसल को कॉन्स्टेंटली वर्क करना पड़ेगा। तो अगर मैं लैपटॉप के सामने बैठ के नेक को ऐसे आगे करके वर्क कर रहा हूं, तो जैसे ही मेरी नेक मेरे शोल्डर से, ये मेरा शोल्डर है, ये मेरी नेक है, ये ईयर्स है, और यहां क्या हो रही है, पारी तो बिल्कुल नहीं हो रही है, ठीक है, इसको आगे ले गए, वन इंच आगे जाते ही मैं लैपटॉप पे वर्क कर रहा हूं, मेरे नेक मसल्स पे जो स्ट्रेन है वो 5 to 10 pounds इंक्रीज हो गया। ये फर्दर और आगे चली गई तो फर्दर वो स्ट्रेन बढ़ता जा रहा है, राइट। जब ये स्ट्रेन बढ़ता जाएगा तो क्या होगा, पेन आता जाएगा। जब ये स्ट्रेन पूरा टाइम ये नेक की मसल स्ट्रेन होगी, क्योंकि डेली बेसिस पे हमारे जो कल्चर है, वर्क स्टाइल है, हमें कम से कम 8 hours तक वर्क करना ही करना होता है, ज्यादा नहीं। तो जब 8 hours कॉन्टिन्यूसली आप ऐसे करके वर्क करोगे नेक आगे करके, तो ये पेन प्रॉब्लम करेगा ही करेगा, तो दैट लीड्स टू नेक पेन दैट यू गेट ऑल द वे अराउंड। दूसरा पोस्चर है, जब हम वर्क कर रहे होते हैं, जब हम बैठे होते हैं, तो हम लैपटॉप पे ऐसे आगे बेंड करके, या साइड पोस्चर में अगर आपको दिखाता हूं, तो ऐसे करके वर्क करते हैं, राइट। जब आपने नेक सीधी रख भी ली तो आपका बैक बेंड है, जब बैक पूरा टाइम ऐसे बेंड रहेगा तो क्या होगा कि बैक का जो मसल्स है, बैक के जो लिगामेंट्स है, वो पूरे टाइम, अब आपकी बैक ऐसे बेंड हो गई तो ये पूरे लिगामेंट्स पूरे टाइम स्ट्रेच्ड रहते हैं। जब ये पूरा स्ट्रेच होते हैं तो क्या होता है, पेन इश्यू करता है। तीसरा कंपोनेंट, जब आप फोन चलाते हो, राइट, आपने फोन उठाया, आप टाइपिंग पे लग गए, एक हाथ में फोन है, दूसरा हाथ आराम से आपने लैपटॉप पे रखा हुआ है, अच्छा इसमें आप फोन पे वर्क कर रहे हो, थंब से टाइपिंग चल रही है, राइट। पूरा दिन जब थंब से टाइप कर रहे हो, तो ये थंब जो सीएमसी जॉइंट है, कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट जो हमारा होता है, ये बहुत अनस्टेबल जॉइंट है, बहुत छोटा जॉइंट है ना, यहाँ से मसल भी बहुत छोटी छोटी जा रही है। जब छोटी मसल्स है, छोटा जॉइंट है, पूरा दिन वो मूव करेगा लाइक दिस, आप ब्राउज कर रहे हो, स्क्रॉल कर रहे हो, टाइप कर रहे हो, तो अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस इज कि आप उसको ओवरबर्डन कर देते हो, ओवरस्ट्रेन कर देते हो, एंड अल्टीमेट रिजल्ट इज पेन इन द कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट, यानी कि थंब जॉइंट में पेन स्टार्ट हो जाता है। आप इसके अलावा और क्या होता है, जब हमारा पोस्चर नेक पूरा टाइम आगे रहती है ऐसे करके, अब इस पोस्चर को देखो, अब मैं ऐसे बैठा हूं, मैं ऐसे करके आपसे बात कर रहा हूं, राइट, क्या आपको अच्छा लगेगा,
एक फिजियोथेरेपिस्ट जो आपको कुछ एक्सप्लेन कर रहा है, तो अपना पोस्चर आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, आपको ये नहीं, मेरा अपना ही पोस्चर ठीक नहीं है, तो शुडंट दिस बी लाइक दिस? अगर मैं ऐसे बैठूं, क्या ये कॉन्फिडेंस वाला पोस्चर नहीं लग रहा आपको? क्योंकि ये एक बेटर पोस्चर है, एक बेटर वे ऑफ एक्सप्लेनिंग अदर्स, यू नो, क्योंकि जब मैं अपने आप में कॉन्फिडेंट फील करूंगा एक अच्छे पोस्चर एज्यूम करके, तो मैं दूसरों को अच्छे वे में एक्सप्लेन कर पाऊंगा चीजों को, और अच्छे वे में अपनी चीजों को प्रोपगेट कर पाऊंगा, ताकि यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दैट एंड यू कैन इजीली अडैप्ट दैट, बिकॉज लर्निंग कम्स फ्रॉम विद इन. अगर मैं आपको कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो मुझे खुद भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, राइट? अब इसके साथ साथ जब हम बैठते हैं तो हम क्या करते हैं, चेयर के बिल्कुल एज पे आके ऐसे कॉर्नर पे बैठते हैं, राइट? वहां मैं पीछे बैठा था, मेरा जो पेल्विक रीजन था, मेरा लोअर पोर्शन था, वो चेयर के बैक साइड के साथ अटैच था, साथ में मैं बिल्कुल उसके साथ लग के बैठा हुआ था. बट अब मैं बिल्कुल कॉर्नर पे आ गया, तो सारा कंप्रेसिव फोर्स जो है वो मेरे लेग पे आने लगी, मेरे जो हिप जॉइंट है वहां पे कंप्रेशन ज्यादा आएगा. तो अगर हम पूरा दिन ऐसे ही आगे होके बैठे रहेंगे, तो एक चीज होती है नॉर्मल एजिंग. एजिंग प्रोसेस आप में, मुझ में और सब में चलती है. Like with every second we are getting one second older. तो एज बढ़ती जाएगी, हम ओल्ड होते जा रहे हैं. बट अगर हम इम्प्रॉपर पोस्चर अज्यूम करते हैं लाइक दिस, तो ये एजिंग प्रोसेस हम फास्ट कर रहे हैं, बिकॉज हम डीजेनरेशन को फास्ट कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि कंप्रेसिव फोर्सेस ज्यादा आ रही है, तो देर माइट बी चांसेस के आपका जो बॉडी के एजिंग चेंजेस है वो जल्दी आने लगे. और आई नो कि आप में से कोई भी नहीं चाहता होगा कि आप जल्दी एज अप करो, बिकॉज यू नो, वैसे तो फेस के लिए हम एंटी एजिंग क्रीम और सब कुछ लगा रहे हैं, तो बॉडी को भी तो एंटी एजिंग प्रोसेस चलवानी है, तो उसके लिए क्यों ना हम एक प्रॉपर पोस्चर एज्यूम करें. अब इसके बाद और क्या प्रॉब्लम है गलत पोस्चर एज्यूम करने की? जब हम लैपटॉप पे वर्क कर रहे हैं, जब हम बैठे हुए हैं ऐसे करके और ऐसे आगे करके बेंड करके हम लैपटॉप पे वर्क करते हैं, मोस्ट प्रोबेबली हमारा जो टेबल है वो थोड़ा नीचे हो जिसपे हम वर्क कर रहे हैं, या कुछ भी प्रॉब्लम हो उस करके हम ऐसे करके बैठे हुए हैं. जब ऐसे बैठे हुए हैं तो क्या होता है कि हमारा फ्रंट चेस्ट पार्ट जो है ये पूरा कंप्रेस हो जाता है, तो हमारा स्पाइन जो है ऐसे करके आर्च हो गया. अब ये जो आर्च हो गया, अब ये आर्चिंग के बाद क्या होता है कि ये पूरा फ्रंट, एक तो हमारा डायफ्राम, हमारी चेस्ट मसल्स पूरा एक्सपेंड नहीं कर पा रही है, राइट? वन थिंग. सेकेंड थिंग, हमारा स्टमक जो है, जितने विसरल ऑर्गन, स्टमक, लीवर, किडनी, स्प्लीन, जितने कॉम्पोनेंट्स हमारे स्टमक के आसपास होते हैं सब आगे कंप्रेस हो रहे हैं. इंटेस्टीन, तो क्या होता है कि फिर इसके साथ साथ आपको डाइजेस्टिव इश्यूज, कॉन्स्टिपेशन, गैस्ट्रिक इश्यूज, ये ट्रबल करने लग जाते हैं. अब जब गैस्ट्रिक इश्यूज आपको ट्रबल करने लगेंगे, क्योंकि आपका पोस्चर डेली ऐसे ही है, आप उसे कंप्रेस कर रहे हो, प्रॉपर ब्लड फ्लो को वहां नहीं जाने दे रहे हो, कॉम्प्रोमाइज हो रहा है जो वहां पे, उस करके वो आपको फिर बॉडीली इश्यूज में ट्रबल करने लगेगा. तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि प्रॉपर पोस्चर और एक इम्प्रॉपर पोस्चर, अगर आपने इम्प्रॉपर पोस्चर को होल्ड किया तो आपके बॉडी के सारे ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है, बीट योर ब्रीदिंग, बीट योर स्टमक, बीट योर डाइजेशन, बीट योर नेक, थंब, हिप, नी और एंकल. इसके साथ साथ जब आप खड़े होते हो, चलते हो, उस टाइम भी आप अपने पेल्विस को कैसे रख रहे हो, तो मैं आपको थोड़ा एक उसका भी एस्पेक्ट दिखाता हूं. लाइक इफ आई एम स्टैंडिंग लाइक दिस, राइट, ये मेरा शोल्डर, ठीक है, This is in alignment with my hip, like this. पर अगर मैं खड़े हुए इस पोर्शन को पीछे ले जाऊं और मेरा स्टमक आगे चला गया, अब देखो ये मेरा टमी वो दिख रहा है जो कभी था ही नहीं ना कभी होगा, मतलब ये एग्जिस्ट करता ही नहीं, पर ये आगे ऐसे दिख रहा है कि कितना बड़ा टमी आ गया. तो ये एंटीरियर पेल्विक टिल्टिंग होने की वजह से, पेल्विस को आगे मुड़ने की वजह से ऐसा दिख रहा है. बट अगर ये पोस्चर प्रॉपर हो तो क्या मेरा टमी है? नो, बिकॉज एक इम्प्रॉपर पोस्चर की वजह से आपका जो एक ओबेसिटी वाला कंपोनेंट आपको दिख रहा है जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता है. तो व्हाई नॉट अज्यूम अ प्रॉपर पोस्चर लाइक दिस, ओके? तो ये चीजें हैं जो अगर आप प्रॉपर पोस्चर अज्यूम करते हो तो आप अपने आप को इन सब कंपोनेंट से, एजिंग जो एक्स्ट्रा एजिंग हो रही है उससे, ये जो मस्कुलोस्केलेटल पेन्स हो रहे हैं, रिपीटेटिव स्ट्रेस इंजरीज हो रही है, डाइजेस्टिव इश्यूज जो पोस्चर की वजह से हो रहे हैं, जितने आपको विसरल ऑर्गन के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, जितना आपका ब्रीदिंग में इश्यू आ रहा है, इसकी वजह से जब नेक में पेन आता है तो क्या होता है, एंजाइटी, एक सॉर्ट ऑफ टाइटनेस बन जाती है नेक की मसल्स में, क्योंकि ओवरवर्क करना पड़ रहा था, उस करके कंप्रेशन आता है, जो उसकी वजह से आपको हेडेक, वर्टिगो, ये प्रॉब्लम्स आने लगती है. तो अगर आपको इन सब चीजों से बचना है तो ये जो चीजें मैंने आपको बताई इनको आपको रोकना पड़ेगा.
और इसको कैसे रोकेंगे? अब दो चीजें हैं, या तो आप इन चीजों से बचना चाहते हो कि ये प्रॉब्लम आपको ना ट्रबल करें, या ये पोस्टल प्रॉब्लम्स आपको हो चुकी हैं और आप इन जितनी चीजें मैंने आपको बताई, स्टमक कंपोनेंट, पेन्स, इन सब से सफर कर रहे हो। दोनों ही केसेस में हमें कुछ स्ट्रेटजीज फॉलो करनी होंगी जो कि हमें इनसे बचा सके। वो स्ट्रेटजीज मैं आने वाली वीडियो में बताने वाला हूं, तो स्टे ट्यून्ड विद अस, ताकि आने वाली वीडियोस में आप सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन सेंटर में आ सके। तो जस्ट सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, क्योंकि जो भी ऑफिस कल्चर में वर्क कर रहे हैं, आई वॉन्ट ऑल ऑफ देम टू बी प्योरली पेन फ्री, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप इन स्ट्रेटजीज को फॉलो करें। और जो नेक्स्ट एक्सरसाइज वीडियो आने वाली है, उसमें मैंने सब कुछ बता रखा है कैसे कैसे आपको इन पोस्टर से बचना है। ये वीडियो स्पेसिफिकली इस चीज के लिए थी कि आप क्या गलत कर रहे हैं वो बताने के लिए। अब उसको करेक्ट कैसे करना है वो अगली वीडियो में मैंने प्रॉपरली एक्सप्लेन कर रखा है विद प्रॉपर इंफोग्राफिक्स, तो उसको अच्छे से फॉलो करें। कोई डाउट हो तो कॉमेंट सेक्शन में लिख के हमें बताएं। हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब और बाकी जितने भी ट्विटर हैंडल्स हैं, उन सब पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। कोई भी आपकी क्वेरी हो, कोई आपका पर्सनलाइज्ड प्रॉब्लम हो, उसका अगर आपको रेक्टिफिकेशन करवाना है, तो आप हमें नीचे दिए हुए नंबर्स पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, थैंक्स अ लॉट।